नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में हो सकता है कि 6 मेंबर तक का नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, 3 मेंबर से लेकर 6 मेंबर तक का नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बन सके और उसके बाद फिर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एक तरह से। अगर वही कार्बन पे इंटरनल भी अटैक कर दिया और एक्सटर्नल भी अटैक कर दिया तो हमेशा रिटेंशन होगा, कन्फिग्रेशन में रिटेंशन। और अगर दूसरे वाले कार्बन पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाया तो दोनों पे इन्वर्जन होगा। SN-NGP इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिटेंशन प्रोसेस, नोट कर लो, नोट किया हुआ है शायद लास्ट लाइन है ना। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग होता है उतना ज्यादा एनजीपी होगा और उतना ज्यादा रेट ऑब्जर्व होगा, क्लियर। देखो कौन कौन से ग्रुप एनजीपी शो कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप एनजीपी शो कर सकते हैं उसका लिस्टिंग कर लो। मतलब द इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कैन बी, ऐसे लिखो, द इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, द इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कैन बी O- OH NH2 NHR NR2 COO- COOH CHO COR SH S- SR OR etc. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एटसेट्रा। इतने इम्पॉर्टेंट इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हैं जो कि एनजीपी प्रोवाइड कर सकते हैं। इतने इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल है जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के जगह पे रहेगा, एक्सटर्नल कुछ भी हो, ये सारे के सारे ग्रुप इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह जब बिहेव करेगा तो ये पहले अटैक करेगा और उसके बाद वो रिंग जो फॉर्मेशन होता है उस पर अटैक होगा एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। सो दीज आर द फ्यू ग्रुप्स बाई विच एनजीपी कैन बी शोन। तो ठीक है, जैसा कि मैंने जनरल बनाया था, एनयू इंटरनल के पास लोन पेयर था, वो नाइट्रोजन वो लोन पेयर अटैक करके पहले लिविंग ग्रुप को निकाल दिया और उसके बाद एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करके रिंग को ओपन कर दिया। हाउ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन शो एनजीपी, ध्यान देना, कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, कम से कम बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए तब जाकर, मतलब बीटा गामा पे, हो सकता है कि बीटा के बजाय गामा पे डबल बॉन्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम बीटा पोजीशन पे एटलीस्ट पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट ऑन एटलीस्ट बीटा और फार, कम से कम बीटा या उससे दूर, गामा पे भी हो सकता है, डेल्टा पे भी हो सकता है, तो कम से कम बीटा पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड होना जरूरी है, बीटा पे ये डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो आप ऐसे समझिएगा कि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा नहीं, बीटा पे नहीं, गामा डेल्टा, एटलीस्ट गामा डेल्टा पोजीशन पे, कम से कम गामा डेल्टा पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो होता क्या है, क्योंकि उसी में 3 मेंबर का रिंग बन सकता है, अगर यहां क्लोज रहा तो फिर 3 मेंबर का रिंग नहीं बनेगा, यहां अगर आ गया तब तो वो अलैलिक सब्सट्रेट हो गया और अलैलिक सब्सट्रेट में SN2 SN1 दोनों हो सकता है। ये पाई बॉन्ड जो है वो गामा कार्बन पे शिफ्ट करेगा, गामा कार्बन पे शिफ्ट किया तो यहां पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला कार्बन फिर जाकर अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है, नेगेटिव वाला कार्बन फिर अटैक करके गामा अल्फा कार्बन पे अटैक करके लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देता है। तो गामा और अल्फा और गामा आपस में जुड़ जाएंगे, अल्फा और गामा आपस में जुड़ेगा तो कितना मेंबर का रिंग मिल रहा है, कम से कम 3, क्योंकि 3 मेंबर का रिंग तो बनाना ही बनाना है,
सी 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 इस तरीके से लिविंग ग्रुप और यहां पर एक कार्बन ऑलरेडी मौजूद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ध्यान रखना कि ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं था। जिसके पास लोन पेयर होता है वही नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना पाता है। तो तुम ऐसे समझना कि ये बॉन्ड जो है धीरे धीरे बन रहा है या ये अटैक करा और लिविंग ग्रुप बाहर निकला, और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल होगा, लिविंग ग्रुप निकलने के बाद न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल विल अटैक दिस कार्बन एंड द बॉन्ड विल ब्रेक एंड वी विल गेट द सेम थिंग, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन कार्बन बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल। मतलब पाई बॉन्ड पोलराइज होकर नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन अटैक करके लिविंग ग्रुप बाहर निकालता है, और उसके बाद एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करके फिर रिंग को वापस तोड़ देता है। तो अल्कीन या डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो कम से कम दूरी पे कितना पे हो सकता है? गामा पोजीशन पे, गामा डेल्टा इज द नियरेस्ट। गामा या गामा के बाद भी हो, गामा के बाद अगर होता तो चार मेंबर का रिंग बनता, फिर पांच मेंबर का रिंग बनता, छह मेंबर तक का रिंग बन सकता है। समझ में आ रहा है? So pi bond will show NGP in this particular manner. कितना ही याद रख काफी है, दूसरा आया तो देखा जाएगा। हैं? ये सारे कॉमन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रोजन ले लिए, सल्फर ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते। अब देखो इस पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। एक और पॉइंट, द इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी प्रेजेंट एंटी पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। The internal nucleophile must be present anti-position with respect to the living group. The internal nucleophile must be present at the anti-position with respect to the living group. जहां open chain है, जहां carbon carbon का single bond है, open chain है, वहां तो bond का rotation चल रहा है, और जहां bond का rotation चलता है वहां पे sin और anti की बात नहीं की जाती। जहां रोटेशन रुका हुआ है, जैसे रिंग सिस्टम में रोटेशन रुका रहता है, तो रिंग सिस्टम में जहां रोटेशन रुका हुआ है वहां पे सिन और एंटी की बात होगी, और लिविंग ग्रुप के हिसाब से इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड होगा तभी एनजीपी होगा, क्योंकि अटैक करता है हमेशा ऑपोजिट साइड से। ऑपोजिट साइड से अटैक होगा तब लिविंग ग्रुप निकलेगा, रिंग बना, उसके बाद फिर वो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आकर वो रिंग को ओपन करेगा। समझ में आ रहा है? अरेंज द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। पहला रिएक्शन, दूसरा एच ओ एम ई सी एल एच एक्वस के ओ एच, तीसरा अगेन अ रिंग सिस्टम एच एस एम ई सी एल एच एक्वस के ओ एच, चौथा एच ओ एम ई एच सी एल एक्वस के ओ एच। कंप्लीट द फॉलोइंग, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, कंपेयर द रेट ऑल्सो, आर वन आर टू आर थ्री को इकट्ठे कंपेयर करो, आर वन आर फोर को कंपेयर करो,
सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग। तो पहले हम लिखा था कि फॉर SNNGP द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इज मस्ट। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का होना जरूरी है तब जाकर एनजीपी लग पाता है। ये सीएल तो लिविंग ग्रुप है, क्या इस मॉलिक्यूल में कहीं भी दूर दूर तक आपको दिख रहा है कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मौजूद है? क्या वो लिस्ट में से कोई भी एक मौजूद दिख रहा है इसमें, पहले वाले में? नहीं है। अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अगर नहीं है मॉलिक्यूल में तो SNNGP नहीं होगा। ऑब्वियसली ये 2 डिग्री का सबस्ट्रेट है और 2 डिग्री का सबस्ट्रेट एक्वस KOH। तो एक्वस KOH हम लोग पढ़े थे रिएक्शन, एक्वस KOH, एक्वस KSH, ये सब क्या शो करता है? SN2, 1 डिग्री 2 डिग्री पे SN2 और 3 डिग्री पे SN1। पढ़े हो ना? तो यहां पर एनजीपी नहीं लग रहा। दिस मैकेनिज्म विल बी प्योरली SN2 मैकेनिज्म और SN2 में होता है इन्वर्जन बेटा। सीएल अगर ऊपर की ओर दिख रहा है लिविंग ग्रुप, एच नीचे तो एच ऊपर चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल नीचे से जुड़ जाएगा। ये HME जैसे था वैसे ही रहेगा, यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे H आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा प्रोडक्ट कैसे लिखे? ओनली SN2, नो एंकीमेरिक असिस्टेंस, नो NGP इज प्रेजेंट इन दिस वन। नाउ टेल मी, सीएल इज अ लिविंग ग्रुप, तो ये बगल में OME लिस्ट देख, O- OH OR सब शो कर सकता है कि नहीं? तो ये बिहेव करेगा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, एटम विद अ लोन पेयर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। और ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के बिल्कुल एंटी पोजीशन पे है। अगर लिविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन पे है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं है, लिविंग ग्रुप एंटी पोजीशन पे है, तो यहां पर मैकेनिज्म चलेगा SNNGP। समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करके सीएल को बाहर निकाला और उसके बाद OH आकर वो रिंग को ओपन करेगा। इस कार्बन पे 2 बार अटैक हम मान लेते हैं कि हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर देख हम क्या लिख रहे हैं, HOME एंड HOH, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन एट दिस पर्टिकुलर कार्बन। कोई इन्वर्जन नहीं, रिटेंशन। समझ में आ रहा है? एक और बात ध्यान रखो, नो डाउट सबसे पहले ये ऑक्सीजन अटैक करके सीएल को बाहर निकाल चुका है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा इस तरीके से। तो अब जो OH- है एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज बोथ कार्बन्स आर आइडेंटिकल, विथ बोथ कार्बन्स आर आइडेंटिकल। तो ये अगर एक नंबर अटैक हम बोल रहे हैं तो ये एक नंबर अटैक का ये नतीजा है, रिटेंशन। और अगर मान लो दूसरे वाले पे अटैक कर देता, दूसरे वाले पे अटैक कर देता, तो दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस कार्बन पे भी इन्वर्जन, इस कार्बन पे भी इन्वर्जन। अगर यहां अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? OME पहुंच जाएगा इस कार्बन पे, लेकिन इन्वर्जन कराना है। इन्वर्जन मतलब कि देख, एच नीचे था, यहां एच नीचे था, तो यहां पर एच क्या आ जाएगा? ऊपर। और यहां पर क्या पहुंच गया? OME। और इस कार्बन पे एच ऊपर था तो एच आ जाएगा नीचे और OH आ जाएगा ऊपर, ये दोनों बनेंगे। इस मॉलिक्यूल में कोई POS और COS नहीं है, दिस मॉलिक्यूल इज काइरल एंड क्लियरली दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे आर इन एनशियोमस। एक है NGP वाला जिसमें रिटेंशन दिख रहा है इस कार्बन पे। समझ में आ रहा है? अगला OME सीएल के नीचे, हाँ तो क्या होगा उसमें? नहीं, हो तो सकता है लेकिन उसमें क्या होगा? हम लोग तो NGP पढ़ रहे हैं ना, उसमें NGP होगा? अबे जो पढ़ा रहे उसको अच्छे से समझ लेना पहले। ये नहीं हो सकता सर। अबे ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? इसी पे ध्यान दो, रिसर्च बाद में। अगला, सल्फर का लोन पेयर सीएल के एंटी पोजीशन, यहां पर भी होगा NGP, SNNGP मैकेनिज्म। हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे, एक ही, दोनों बनाने का जरूरत नहीं है।
ये अटैक करके सीएल को निकाला, ओएच माइनस आकर अटैक करके रिंग ओपन कर दिया, अल्टीमेटली एच और एसएमई जैसे था वैसे ही, और यहां हो गया रिटेंशन, एच नीचे और ओएच ऊपर। अभी भी समझ में आ रहा है? अगला, लिविंग ग्रुप और इंटरनल न्यूक्लियोफाइल सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड, नो एसएन एनजीपी, सेम साइड। ये अटैक कैसे करेगा इस पे? सेम साइड, हमेशा ऑपोजिट साइड से अटैक होता है। यहां एनजीपी नहीं है, अगर एनजीपी नहीं है तो यहां पर भी प्योर एसएन टू, यहां पर अटैक करेगा ओएच माइनस, सीएल निकला, इन्वर्जन कराएंगे, अल्टीमेटली यहां पर एच ओ एम ई, इन्वर्जन, एच नीचे ओएच ऊपर। समझ में आ रहा है? रेट कंपैरिजन आर वन आर टू आर थ्री, तो ऑब्वियसली यहां पे एनजीपी नहीं लगा, इन दोनों में एनजीपी लग गया और एनजीपी के कारण हमेशा रेट बढ़ता है, ऑब्वियसली आर टू एंड आर थ्री विल बी ग्रेटर देन आर वन। अब बचा आर टू और आर थ्री में, दोनों जगह एनजीपी लगा, एक है ऑक्सीजन आइटम, एक है सल्फर आइटम एनजीपी करने वाला, लिखवाए थे स्ट्रांगर इज द इंटरनल न्यूक्लियोफाइल फास्टर इज द रेट। ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कि सल्फर? बड़ा साइज का आइटम इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन स्मॉल साइज आइटम, यस और नो? सल्फर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर आर थ्री विल बी ग्रेटर देन आर थ्री विल बी ग्रेटर देन आर टू विल बी ग्रेटर देन आर वन। ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? आर वन और आर फोर में किसका? यहां भी नो एनजीपी, यहां भी नो एनजीपी, किसका रेट ज्यादा होना चाहिए आर वन और आर फोर में? तो दोनों जगह एस एन टू चला है कि नहीं? यहां पर बगल में मिथाइल है जो कि क्या कर रहा है? प्लस आई, और यहां पर बगल में ओ एम ई है जो क्या कर रहा है? माइनस आई। आपको बताया था कि माइनस आई का क्या इफेक्ट होता है एस एन टू पे? माइनस आई का क्या होता है एस एन टू पे इफेक्ट? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट, इंक्रीजेस द रेट, देयरफॉर आर फोर विल बी ग्रेटर देन आर वन। क्या 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 क्या? सेकंड वाला जो दोनों बना 100%, इसलिए तो एनशोमर रेसिमिक मिक्सर बोले। दूसरा वाला में भी सेकंड बनेगा, बनाए नहीं अलग बात है, लेकिन एनजीपी हो गया बस इतना मेरे को पता है। एनजीपी हो गया मतलब कि रेट बढ़ गया। पीएच सीएच टू सीएच टू ओटीएस, ओटीएस लिविंग ग्रुप है, ओटीएस लिविंग ग्रुप है। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है पीएच सीएच टू 14 बॉन्डेड टू सीएच टू बॉन्डेड टू एनएच टू, क्योंकि हमें पता है कि अमोनिया अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकालो, अमोनिया क्या देगा? प्राइमरी अमीन, पढ़े थे ना पिछले क्लास में। अगर यही प्राइमरी अमीन से अटैक कराते तो क्या मिलता? सेकेंडरी अमीन, नाइट्रोजन को जोड़ के एक एच ही तो निकालना है। साथ में ये तो बनता 50%, अनदर 50% विच वी गेट इज पीएच सीएच टू सीएच टू 14 बॉन्डेड टू एनएच टू। और दोनों प्रोडक्ट देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है कि 50-50% बना, कार्बन इधर से उधर कैसे हो गया? एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एनजीपी प्रोसेस। ध्यान देना, पाई बॉन्ड एनजीपी करता है,
पाई बॉन्ड का एनजीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा एग्जाम्पल है ये। कार्बन 14 से जुड़ा था बेंजीन का रिंग और यहां पर CH2 बॉन्डेड टू OTS था। अगर हम इस बेंजीन का पाई बॉन्ड का पोजीशन देखें तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा और ये डेल्टा। गामा गामा पे आ गया, गामा पे आ गया ना, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ गामा की तरफ। गामा पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। डेल्टा पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव वाला कार्बन अटैक मार के एनजीपी शो करेगा और OTS को बाहर निकाल देगा एंड वी विल गेट अ रिंग CH2 14 CH2 बॉन्डेड टू बेंजीन का कार्बन और यहां पे आया पॉजिटिव जो कि स्टेबल है रेजोनेंस करके। समझ में आया बेंजीन का पाई बॉन्ड कैसे एनजीपी शो किया यहां पर? अब बारी है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल है अमोनिया। अगर ये अमोनिया इस कार्बन पे अटैक कर दिया, रिंग इधर से ब्रेक कर जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर फिर से रिंग एरोमेटिक हो जाएगा और पहला प्रोडक्ट मिलेगा। बट देर इज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी दैट द अमोनिया अटैक्स कार्बन 14। कार्बन 14 को अगर किया तो रिंग इधर से टूटेगा, कार्बन 14 से NH2 जुड़ जाएगा और बेंजीन का फिर से एरोमेटिसिटी वापस, इसीलिए दूसरा प्रोडक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अ एनजीपी शोन बाई अ पाई बॉन्ड। राइट द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन गिवन। सेकेंड वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखो, क्या क्या हुआ होगा सेकेंड वाले रिएक्शन में, ये सब एक्सप्लेन करो। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कलाइन मीडियम में लोगे, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टेस्ट। H प्लस गया वाटर में, OH माइनस H प्लस हटा लिया, मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप दिख रहा है, मॉलिक्यूल में एक ऐसा ग्रुप भी दिख रहा है जो कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है और वो एनजीपी शो कर सकता है। O माइनस अटैक करके निकाल दिया बाहर इसे ब्रोमीन को, CH3CHO C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड। और फिर लास्ट में क्या होगा कि OH माइनस आकर उसी कार्बन पे अटैक करके ये रिंग को ओपन कर दे। इस कार्बन पे अटैक नहीं होगा, ये SP2 कार्बन है। अटैक विल हैपन ऑन SP3 कार्बन। समझ में आ रहा है? इन दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहां है? यहां पर ज्यादा है, क्योंकि यहां पे ज्यादा स्टेबल है पॉजिटिव चार्ज। SP3 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। OH माइनस आकर अटैक किया और अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिल जाएगा? CH3CHOH और यहां पे C डबल बॉन्डेड O O माइनस Na प्लस। अगर हम NaOH लिए तो Na+ आंसर। And this reaction happens very fast as compared to this reaction happens very fast as compared to। मान लो ये नहीं होता और हम लोग सीधे सीधे ये वाले सबस्ट्रेट को रिएक्ट कराते, उससे बहुत ज्यादा फास्ट होता है। रीजन एनजीपी, SN NGP। क्लियर एवरीवन? अरेंज द थ्री इन द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मान लो तीनों के पास अगर हम OH माइनस लाए तो कहां पर रेट सबसे ज्यादा और क्यों? रेट का ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ SN, रेट ऑफ SN, रेट ऑफ SN सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान देना, मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है। जैसे ही डबल बॉन्ड दिखा वैसे ही दिमाग में आना चाहिए होना हो एनजीपी हो जाए।
अल्फा कार्बन जिससे जुड़ा है, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन और ये डेल्टा कार्बन। गामा पे तो एनजीपी होगा, तीनों पाई बॉन्ड एनजीपी शो कर रहा है, लेकिन कौन सा पाई बॉन्ड एनजीपी ज्यादा शो कर रहा है? जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, यस आर नो? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन पढ़े हो, पढ़ाए हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन पढ़ाए हैं? कहां पढ़ाए थे? हैं? हाइड्रोकार्बन में। कौन से रिएक्शन में पढ़ाए थे? रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ एचएक्स, हैलोजनेशन। अरे क्या मतलब? एडिशन ऑफ हाइड्रासिड ऑन अल्कीन, अल्कीन प्लस एचएक्स। क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में तीन रिएक्शन पढ़े, उसका पहला रिएक्शन वहीं पे हम बता दिए थे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन पे जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट लगता है, जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट लगता है अल्कीन पे, चाहे प्लस एच, प्लस आई, प्लस एम, अल्कीन उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, क्योंकि वो प्लस इफेक्ट वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। यहां पे 6 अल्फा एच एक्स्ट्रा दिख रहा, यहां पे मात्र 3 अल्फा एच दिख रहा, यहां पे 0 अल्फा एच दिख रहा है, यहां ज्यादा प्लस एच इफेक्ट है। दिस इज द ऑर्डर। क्या होना चाहिए पहले में आंसर? लिविंग ग्रुप ब्रोमीन, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल सल्फर एसआर एसएमई, ये पहले जाकर अटैक करके ब्रोमीन को बाहर निकालेगा। तो एमई ईटी सल्फर पे पॉजिटिव, एमई सीएच टू ऐसा बना नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, यस और नो? अब ये न्यूक्लियोफाइल आकर इस रिंग को ओपन करेगा। कौन से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, पहला कि दूसरा?
वेयर द पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, पहला हम लोग मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे इस रिएक्शन के, ओ माइनस आकर इसी कार्बन पर अटैक करेगा, मतलब इस कार्बन का दो बार अटैक हो गया तो क्या आंसर होगा, रिटेंशन, और ये पार्ट ब्रेक कर जाएगा, MeEtOMe और यहां पर CH2SME, जैसे था वैसे ही फाइनल आंसर, रिटेंशन के साथ फाइनल आंसर, समझ में आ रहा है। अगला लिविंग ग्रुप इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक से 3 से 6 मेंबर तक का रिंग अलाउड है, 3 मेंबर का रिंग मिला, एमई और यहां पर CH2 और यहां बन गया S पे पॉजिटिव, एमई जुड़ गया, फिर से MeO- आकर किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा, कहां करेगा, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट ये आकर इस कार्बन पे अटैक करा, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, मतलब SME पहुंच गया CH2 के पास, तो आंसर हो जाएगा यहां पर ME, यहां आ गया OME और इस कार्बन पे चला गया CH2SME। खैर यहां कॉन्फ़िगरेशन की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है, इसलिए ये कार्बन सेंटर नहीं है, कहीं भी OME को लगा दो, क्लियर। दूसरा सवाल क्लियर है। तीसरे पे एक्वस KOH, अरे तो एक्वस KOH तो सबसे पहले यहां का हटा देगा H+, ये हो गया लिविंग ग्रुप, ये हो गया इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, O- अटैक करके I को बाहर निकालेगा, 6 मेंबर तक का रिंग भी नहीं बन पाएगा, 6 के अंदर ही रहेगा, और फिर ये OH- आकर इसी कार्बन पे अटैक करेगा, याद करो वो सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि SP2 कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता है, SP3 पे ही करेगा, यहीं पे आकर अटैक करेगा, यहीं पे दो बार होगा, पहले तो ये चेक करो कि यहां NGP होगा कि नहीं, आर दे एंटी टू ईच अदर, दिस इज प्रेजेंट ऑन अ अपर बॉन्ड अबव द प्लेन, यहां पर H है अपर बॉन्ड, ये है लोअर बॉन्ड पे, एक अपर और एक लोअर, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, दे आर एंटी टू ईच अदर, इसलिए यहां पे NGP होगा, और NGP अगर हो रहा है, रिटेंशन, जैसे आई लगा हुआ है वैसे ही OH को लगा दिए, और ये C डबल बॉन्डेड OO- K+, क्लियर। अगला बताओ, ये भी अपर बॉन्ड पे, ये भी अपर बॉन्ड पे, सेम साइड हो गया, सिन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, नो एनजीपी, एंड इफ देर इज नो एनजीपी देन प्योरली SN2 विल हैपन, वेयर, ऑन दिस कार्बन, SN2 में हम लोग क्या कराते हैं, इन्वर्जन, मतलब अगर लिविंग ग्रुप एक्सियल पे था तो न्यूक्लियोफाइल को कहां जोड़ेंगे, इक्वेटोरियल पे, और यहां पर तो खैर ये C डबल बॉन्डेड OO- K+, तो एक चेयर में हमने NGP कराया लेकिन एक में नहीं कराया, ये क्लियरली समझ में आ रहा सबको, क्लियर है। आगे आगे यहां ये है लिविंग ग्रुप और ये है सल्फर का लोन पेयर, सिन और एंटी का वहां बात होता है जहां पर रोटेशन रुका रहता है, यहां तो फ्री रोटेशन चल ही रहा है, फ्री रोटेशन चल रहा है तो एक दूसरे के एंटी आएगा और NGP हो जाएगा, तो यहां पर भी NGP लेना है, इसलिए मैंने जानबूझ के सेम साइड करके दिया, इसका यह मतलब नहीं कि यह सिन हो गया इसलिए नहीं होगा NGP, यहां भी NGP होगा, बॉन्ड रोटेशन इज गोइंग ऑन, ये CL घूम के आएगा ऑपोजिट साइड और तब NGP होगा, खैर NGP पहले CL को बाहर निकाल दिए, ये कैसा दिखेगा, MeEt H और यहां पे सल्फर पे पॉजिटिव बॉन्डेड टू ME,
अब आकर ये रिंग ओपन करेगा, ये ईटीएस माइनस के प्लस सल्फर पे नेगेटिव आकर अटैक करेगा, ऊपर या नीचे? कहां अटैक करेगा, ऊपर कि नीचे? कहां अटैक करेगा, ऊपर कि नीचे? तो ऊपर में तीन अल्फा एच है, नीचे में इथाइल का दो ही अल्फा एच है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, यहीं आकर अटैक करेगा। इस कार्बन पे दो बार अटैक हो गया, मतलब कि रिटेंशन। फाइनल आंसर MeEtHHCl के जगह लग जाएगा SET और SME तो पहले से ही है। फाइनल आंसर। अगला दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, एक है थ्रियो दूसरा है एरिथ्रो। ये एरिथ्रो ये थ्रियो और कोई अंतर नहीं है, दोनों को अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं। सेम लिविंग ग्रुप, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये करेगा एनजीपी, बॉन्ड रोटेशन चल रहा है ना, यहां भी एनजीपी होगा, ऐसा मत बोलना कि सिन है। ये बन जाएगा थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा एमई एमई एच एच, और यहां पर ओ पे पॉजिटिव एमई। ठीक, अब देर आर टू इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर द अटैक, चूंकि दोनों कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल है, ऊपर भी अटैक हो सकता है नीचे भी अटैक हो सकता है 50-50%। मान ले ऊपर अटैक हो गया, अमोनिया ने ऊपर वाले कार्बन पे अटैक किया, तो ऊपर वाले कार्बन पे अटैक किया तो रिटेंशन एमई एमई एच, बीआर जिधर था वहीं क्या लगा देंगे एनएच टू और एच OME, ये तो बना। प्लस दूसरा प्रोडक्ट हमें बनाना है, अगर ये अमोनिया इस कार्बन पे अटैक कर दिया तो इफेक्टिवली एक अटैक ऊपर हो गया और एक अटैक नीचे हो गया, मतलब दोनों जगह क्या करना है, इन्वर्जन कराना है, और ये रिंग ऊपर की ओर खुलेगा, मतलब कि OME कहां पहुंच गया, ऊपर, लेकिन इन्वर्जन के साथ, लेकिन इन्वर्जन के साथ। एच अगर इधर दिख रहा है, लिविंग ग्रुप इधर दिख रहा है, तो एच आएगा किस तरह, इधर, और ओएमई आएगा इधर, समझ में आ रहा है? और नीचे भी इन्वर्जन कराना है, यहां पर हम लोग को एक एनएच टू को जोड़ना है इन्वर्जन करा के, तो यहां पर एच अगर इधर दिख रहा है तो इन्वर्जन कराओ, एच इधर आ गया और एनएच टू। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फॉर्म्स, what is the relationship between the two forms? Identical, very good. ये वाला फिशर को पूरा 180 डिग्री से घुमा दे, फिशर को 180 डिग्री से घुमाया जा सकता है सेम प्लेन पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही हम घुमाएंगे ये मिल जाएगा। only one product, next one। तो एरिथ्रो जो है वो एक ही प्रोडक्ट दिया, एरिथ्रो जो है वो एक ही प्रोडक्ट दिया, थ्री ओ वाले का देखते हैं, ये थ्री ओ वाला है, सेम चीज। ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करा, एनजीपी, एनजीपी करेगा तो थोड़ी देर के लिए कैसा दिखेगा, ये एच इधर, एच इधर, ऑक्सीजन एमई, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, अगेन देयर इज अ इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ द अटैक ऑन बोथ कार्बन। मान ले ऊपर ही अटैक हो गया, अगर ऊपर अटैक हो गया तो इफेक्टिवली यहां पर दो बार अटैक हो गया, दो बार अटैक कर दिया अमोनिया, दो बार अटैक हो गया इस कार्बन पे, रिटेंशन, रिटेंशन के लिए पहला प्रोडक्ट एमई एमई एच NH2, जिधर बीआर था उधर ही NH2, और इधर कर दिए OME और इधर कर दिए H प्लस ME ME ग्रुप लगाना है। अगर ये अमोनिया इस कार्बन पे अटैक कर दिया तो मुझे दोनों कार्बन पे इन्वर्जन कराना है, और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो OME कहां पहुंच गया, ऊपर। OME पहुंचा है ऊपर इन्वर्जन करा के, H अगर लेफ्ट में दिख रहा है तो H इधर आ गया, OME इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है?
और अगर मुझे नीचे भी इन्वर्जन कराना है, एच अगर लेफ्ट में दिख रहा है तो एच आएगा राइट में और यहां आएगा एनएच टू. नाउ टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फॉर्म्स. रोटेट इट बाय 180 डिग्री. रोटेट किए एमई एमई रोटेट किए तो ये घूम के कहां पहुंचेगा, यहां पर ओ एमई एच, और ये घूम के कहां पहुंचेगा, यहां पर एनएच टू एच. अब इन दोनों में देख रिलेशन क्या है, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. एंड इफ दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर मतलब दे आर इनेंशियोमर्स एंड वी विल गेट अ रेसमिक मिक्सचर. ये समझ में आया? Yes, sir. एनजीपी समझ में आया सबको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट अलाइलिक कार्बन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट अलाइलिक कार्बन. CH2 डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू CH2 बॉन्डेड टू Cl. When it is supposed treated with aqueous KOH, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन क्या होता है, अलाइलिक कार्बन. समझ में आ रहा है? मान लो इसको हम बोले कार्बन 14, कार्बन 14. और अगर ये मैकेनिज्म SN1 से अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे, SN1 से हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें हम लोगों को CH2 14 डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू CH2 पॉजिटिव मिलेगा कार्बोकटायन. और ये कार्बोकटायन बेसिकली रीअरेंज करेगा पाई बॉन्ड के साथ रीअरेंज करेगा, तो ऑब्वियसली हम लोग को दो दो कार्बोकटायन मिलेगा, कार्बन 14 CH डबल बॉन्डेड CH2. समझ में आ रहा? दोनों मिल सकते हैं. ये पे OH माइनस अगर जुड़ गया तो ये में देगा प्रोडक्ट CH2 14 CH बॉन्डेड टू CH2 बॉन्डेड टू OH. और इससे अगर OH माइनस अगर जुड़ा तो कार्बन 14 पे भी लगा हुआ OH CH डबल बॉन्डेड CH2, ये दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट हम लोग को मिलेंगे. लेकिन ध्यान रखना, जहां पे Cl जुड़ा हुआ है, ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, जहां पर Cl पहले से जुड़ा है वहां पे OH जुड़ा हुआ प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है मेजर, और ये मिलता है माइनर. ये दोनों बराबर क्वांटिटी से नहीं मिलते. सोचने वाली बात है, इसीलिए इसको हम लोग अलग से निकाल के पढ़ रहे हैं. अरे फ्री कार्बोकटायन अगर जनरेट हो ही जाता, तो फ्री कार्बोकटायन अगर जनरेट हो गया है तो फिर रीअरेंजमेंट होकर ये दोनों बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में होते तो ये भी 50% मिलना चाहिए था, ये भी 50% मिलना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता है. Cl जहां जुड़ा हुआ है वहां पर OH का लगा हुआ प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू दूसरा वाला पॉसिबिलिटी. समझ में आ रहा है? ठीक है. जो मुझे यहां पर मेजर मिल रहा है, जो मुझे यहां मेजर मिल रहा है, इसको तो हम लोग SN1 प्रोडक्ट बोल देते हैं. और जो माइनर मिल रहा है उसको हम लोग लिख देते हैं SN1 प्राइम, SN1 हैश प्रोडक्ट. पाई बॉन्ड के रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा SN1 प्राइम बोला जाएगा, SN1 हैश बोला जाएगा. जहां Cl पहले से जुड़ा होता है वो वाला प्रोडक्ट हम लोग को हमेशा मेजर प्रोडक्ट मिलता है. ऐसे सोच सकते कि द प्रोडक्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट, द प्रोडक्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट. जैसा सबस्ट्रेट था वैसा ही प्रोडक्ट हम लोग को मेजर क्वांटिटी में मिलता है. लेकिन हम लोग उम्मीद क्या करते हैं कि दोनों बराबर मिलना चाहिए, या कार्बोकटायन तो फ्री है मतलब कि बराबर मिलना चाहिए था, लेकिन बराबर नहीं मिलता. और हम लोग आइसोटोपिक लेबलिंग कर दिए कार्बन 12 कार्बन 14 का, इसलिए ये सच साबित हम लोग ये चीज पता किए है ना. अब इसका जो सो कॉल्ड मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म ये कहता है कि नो डाउट SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले कार्बोकटायन मिला, लेकिन Cl माइनस भी उसी कार्बोकटायन के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था. ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इंटीमेट आयन पेयर.
इंटीमेट आयन पे सीएल माइनस निकला जरूर, लेकिन सीएल माइनस कार्बन पॉजिटिव के साथ अभी भी कार्बन पॉजिटिव को स्टेबलाइज किए हुए है। इंटीमेट आयन पेयर मैकेनिज्म, अगर ये सीएल माइनस इसको स्टेबलाइज किए हुए तो फिर क्या जरूरत है यहां से यहां जाने की, ये फिर यहां से यहां रेजोनेंस करके जाने का टेंडेंसी कम होता है। समझ में आ रहा है? OH माइनस सीधे यहीं पर जुड़ता है, OH माइनस आया जुड़ गया CH2 14 डबल बॉन्डेड CH CH2 OH, देयरफॉर दिस बिकम्स मेजर एंड दैट बिकम्स माइनर। एक और एग्जांपल लो, ध्यान देना, CH3 CH डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू CH2 Cl, ये हम लिए पहला सबस्ट्रेट, CH3 CH Cl बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड CH2, ये लिए हम दूसरा सबस्ट्रेट, दोनों के दोनों अलाइलिक है बेटा, ये भी अलाइलिक है, ये भी अलाइलिक है, अलाइलिक मतलब कि अलाइल कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये चला SN1 के थ्रू आगे, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कार्बोकटायन बना होगा, कार्बोकटायन रीअरेंज करके यहां भी आया होगा, आया होगा ना। ये 1 डिग्री का कार्बोकटायन है सर, ये 2 डिग्री का कार्बोकटायन है सर, तो ये ज्यादा बनना चाहिए सर, बोलते हो ना। अगर फ्री कार्बोकटायन बन जाता, फ्री कार्बोकटायन अगर बन जाता तो रेजोनेंस के बाद ये कार्बोकटायन यहां पहुंचता और बोलते कि ये वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो इससे मेजर मिलना चाहिए था, इससे माइनर। लेकिन लेकिन होता मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, इधर जाने की टेंडेंसी कम। अगर हम एक्वस KOH लिए हुए हैं दोनों में, तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू CH2 OH, दिस प्रोडक्ट इज मेजर एंड CH3 CH CH OH बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड CH2, दिस प्रोडक्ट बिकम्स माइनर। एक्चुअल परसेंटेज भी लिखी लो, 60% और 40%, समझ में आ रहा है? दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ आयन पेयर मैकेनिज्म, इंटीमेट आयन पेयर मैकेनिज्म। सीएल माइनस पूरा कंप्लीटली नहीं निकला कि कार्बोकटायन फ्री जनरेट हो जाए, जहां पे आयन पेयर बना वहीं पे OH माइनस जाके जुड़ता है, रेजोनेंस की टेंडेंसी कम होती है। फिर भी जो ये दूसरा वाला प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो हम पाई बॉन्ड का रेजोनेंस करा के, पाई बॉन्ड का रेजोनेंस करा के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे SN1- प्रोडक्ट, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज SN1 प्रोडक्ट। और इस केस में भी, इस केस में भी CH3 CH पॉजिटिव CL माइनस CH डबल बॉन्डेड CH2, रेजोनेंस का टेंडेंसी क्या है? कम। यही वाला प्रोडक्ट हम लोग को मेजर मिलेगा, CH3 CH OH CH डबल बॉन्डेड CH2, दिस बिकम्स मेजर, दिस इज 68% एंड CH3 CH डबल बॉन्डेड CH CH2 OH, ये मिलता है 32%, दैट इज माइनर। तो पाई बॉन्ड का रीअरेंजमेंट कराने के बाद वाला प्रोडक्ट SN1- एंड दिस इज SN1। तो ये चीज को हम लोग अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा कि अलाइलिक कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है SN1 के थ्रू, तो वो प्योर SN1 जैसा नहीं रहता। अरे प्योर SN1 जैसा रहता तो हमें उस केस में बराबर मिलना चाहिए था, समझ में आ रहा है ना। तो जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो क्या है? SN1। और जो पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट करके रेजोनेंस करा के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज SN1-। और ये डेटा भी लिख लेना मेजर माइनर। तो इन शॉर्ट क्या याद रखोगे?
जैसा एलाइलिक सब्सट्रेट है वैसा ही प्रोडक्ट मेजर बनेगा। समझ में आ रहा है? मेजर और माइनर वाला कैसे बनाएंगे? पाई बॉन्ड का रेजोनेंस करा के बनाएंगे माइनर। यही इन शॉर्ट याद रखना है हम लोग, कॉपी कर लो। SN2 at allylic carbon, SN2 at allylic carbon, SN2 at allylic carbon, ठीक है। मान लो बोले CH2 double bonded, CH bonded to CH, Cl, ये कार्बन 14 कर दिए। And when it is treated with aqueous KOH and lead, it is a pure SN2 mechanism. So SN2 mechanism क्या होता है? ये है भी allylic, ये pi bond क्या show कर रहा है? Minus I, minus I SN2 को बढ़ावा देता है। और ऊपर से तुमको हम ये भी बताए थे कि beta carbon पे अगर pi bond अगर हुआ तो SN2 का rate drastically बढ़ जाता है। याद है RC double bonded वाला example? अगर ये प्योर SN2 हुआ तो ये सीधा अटैक मारेगा, Cl बाहर निकलेगा, CH2 14 डबल बॉन्डेड, CH CH2 बॉन्डेड टू OH, ओके SN2 प्रोडक्ट। यहां पर प्योर SN2 इसलिए चला क्योंकि जिस कार्बन पे Cl जुड़ा है उस कार्बन पे किसी भी प्रकार का हिंड्रेंस नहीं है, किसी भी प्रकार का हिंड्रेंस नहीं है, प्योर SN2। मान लो CH2 14 डबल बॉन्डेड, CH बॉन्डेड टू C, मिथाइल मिथाइल Cl, व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस KOH, ये जरा गौर करना मैकेनिज्म में, ये भी एलाइलिक है, एलाइलिक है, लेकिन अब गड़बड़ क्या हो गया कि ये 3 डिग्री वाला हो गया, यहां पे SN2 का अटैक नहीं हो सकता, OH माइनस आकर इस कार्बन पे अटैक करता है, इस कार्बन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तब लिविंग ग्रुप निकला, अल्टीमेटली CH2 14 से जुड़ा OH, CH डबल बॉन्डेड C, CH3, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट आंसर। हम SN2 की बात कर रहे हैं। जैसे ही ये एलाइलिक सब्सट्रेट, हम लोग एलाइलिक ही डिस्कस कर रहे हैं, एलाइलिक में ही ये सब स्पेशल केस आता है और कहीं नहीं, इसलिए हम सबसे लास्ट में पढ़ा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ओनली हैपेंस इन एलाइलिक सब्सट्रेट। जैसे कि मैंने SN1 और SN हैश या SN प्राइम बोलो वो बताया, अब मैं SN2 में आया हूं। यहां तो तुमको समझ में आ रहा कि SN2 हो गया प्रॉपर, जो हम लोग पढ़े थे ट्रांजिशन स्टेट इन्वर्जन हेन तेन सब यहां लागू, यहां पर हिंड्रेंस बढ़ा दिए, यहां हिंड्रेंस अगर बढ़ गया तो ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल यहां नहीं अटैक करेगा, तो वो उस केस में क्या करता है कि ये इस पाई बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक करता है, अटैक पाई बॉन्ड मान ले शिफ्ट किया ऐसे तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा ना, अरे पाई बॉन्ड कैसे तोड़, प्लस और माइनस, प्लस के साथ OH को जोड़ दिए, माइनस एटम पे नेगेटिव चार्ज और बगल वाले एटम पे लिविंग ग्रुप, तुरंत इंटरनल अटैक, Cl बाहर, मेजर प्रोडक्ट। And such mechanism will be called as SN2 hash, SN2 prime. So SN2 prime or SN2 hash mechanism happens only if the substrate is allylic and the allylic carbon is hindered. And if the allylic carbon is hindered, in general, R prime C, R prime double bonded C, H bonded to C, R, R leaving group, अगर सिचुएशन ऐसा भी रहा, डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन एलाइलिक कार्बन, अगर इसके सामने आया एक न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि हिंडर्ड है, ये न्यूक्लियोफाइल सीधे अटैक मारेगा इस कार्बन पे,
तो सर यहाँ तो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो अटैक होगा क्या? अभी भी होगा, बड़ा ग्रुप ही क्यों ना हो, लेकिन है तो सिस्टम प्लेनर, और प्लेनर चीज पे हिंड्रेंस बहुत कम होता है। या तो इस पाई बॉन्ड को ऊपर से आकर अटैक मारेगा या तो नीचे से आकर अटैक मारेगा। अटैक मारा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट किए, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाले, आर प्राइम सी आर प्राइम एन यू बॉन्डेड टू सी एच डबल बॉन्डेड सी आर एंड आर, सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एस एन टू हैश एस एन टू प्राइम। क्लियर है? ओके, लास्ट चीज, रिलेटिव रे ऑफ एस एन वन। हम लोग एस एन वन में भी पढ़े थे, फिर भी हम लिख दे रहे, पी एच थ्री सी एक्स ग्रेटर देन पी एच टू सी एच एक्स ग्रेटर देन पी एच सी एच टू एक्स ग्रेटर देन। थ्री डिग्री अल्काइल ग्रेटर देन पी एच सी एच टू एक्स ग्रेटर देन सी एच टू डबल बॉन्डेड सी एच टू एक्स ग्रेटर देन टू डिग्री ग्रेटर देन वन डिग्री। सबको समझ में आ रहा? एक्स जो है वो लिविंग ग्रुप है। रेट ऑफ एस एन वन किस पे डिपेंड करता है बेटा? रेट ऑफ एस एन वन किस पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ये इनडायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन है। एक्स हटाओ और कार्बोकटायन बना लो तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा कार्बोकटायन का, वही स्टेबिलिटी, वही रेट का ऑर्डर हो गया एस एन वन का। क्लियर? क्लियर? रिलेटिव रेट ऑफ SN2 ZCH2 लिविंग ग्रुप, Z कैन बी RC डबल बॉन्डेड O या PHC डबल बॉन्डेड O या OC डबल बॉन्डेड O। ठीक, इसके बगल में क्या आना चाहिए? सी डबल बॉन्डेड ओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पी एच सी डबल बॉन्डेड ओ सी एच टू एक्स। समझ में आ रहा है ना? ये ग्रेटर देन बेंजाइलिक पी एच सी एच टू बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप ग्रेटर देन अलाइलिक अलाइलिक मतलब सी एच टू डबल बॉन्डेड सी एच सी एच टू बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप अलाइलिक ग्रेटर मिथाइल सी एच थ्री बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप ग्रेटर देन इथाइल ग्रेटर देन टू डिग्री ग्रेटर देन थ्री डिग्री। ये ऑर्डर याद रखिएगा। और थोड़ा मैं और तुमको एक्चुअल डाटा दूं, एक स्टैंडर्ड बुक से ऑर्गेनिक का ये बेस्ट किताब माना जाता है। अगर रिलेटिव इथाइल का एक है रिलेटिव रेट, एक माने आर है, तो ये मिथाइल का 30R हो जाता है, लाइल का 40R होता है, बेंजाइल का 120R होता है, और ये ग्रेटर देन लाख होता है। इनका तो खैर सोचना ही नहीं, ये 2 डिग्री वाला 0.03 हो जाता है, 3 डिग्री वाला तो कभी शो ही नहीं करता। रिलेटिव रेट समझ में आ रहा है ना? अगर इसका रेट ऑफ एस एन टू आर तो इसका है 30R, रेट बढ़ गया, इसका है 40R, इसका है 120R एंड इसका है 100,000R, ऐसे मान के चलना है। यहीं पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टॉपिक खत्म होता है। अगले से हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, दो लेक्चर के बाद अल्काइल हैलाइड खत्म, और हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव ये दोनों डिस्कस करेंगे।
अभी से आप अल्काइल हैलोजन डेरिवेटिव का ट्यूटोरियल शीट और हाइड्रोकार्बन का ट्यूटोरियल शीट सॉल्व करते रहो। ये मत बोलना कि सर आप बोले नहीं थे, हम एक दिन बोलेंगे कि अगला क्लास में लेके आना, 1, 2, 3 इकट्ठे डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करेंगे। 2 से 3 लेक्चर में आपको कंप्लीट कर लेना है शीट हाइड्रोकार्बन का और हैलोजन डेरिवेटिव का, 2 शीट याद रखिए, ठीक है। और शीट सॉल्विंग करना नोट्स रिवाइज करने के बाद, जब जब अटकना तब तब नोट्स खोलना। तो शीट सॉल्विंग के दौरान ही तुमको बहुत कुछ चीज याद हो जाएगा। चलो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।